जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज बताता हूँ आपको समय का, दिन का, जगह का महत्व और ईश्वर की कृपा, वो कैसे अपनी कृपा करते हैं और जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता तो हम दोष देने लग जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है तो ये सोच लेना कि वही करा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं था। कल मैं मथुरा में 4 जगह इंटरव्यू देने गया था तो 4 जगह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन सोमवार था और मेरे सारे काम मंगलवार को बनते हैं, तो दिन का महत्व ये हो गया। जगह का महत्व, मैंने चुने थे कि मथुरा वृंदावन, तो मथुरा में मेरा काम नहीं हुआ, फिर मैं वृंदावन में आया तो मैं ये सोच के आया कि काम बने या न बने, आया हूँ तो दर्शन करके आ जाऊँगा बिहारी जी के, ये सोच के मैं आया था। जैसे ही ऑटो से उतरा तो सामने एक होटल था, उसमें ऐसे ही चला गया तो वहाँ जाके मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ महत्व आ गया कि दिन का, क्योंकि मंगलवार था और ईश्वर की कृपा का, वहाँ तो मैं अपनी मर्जी से घूम रहा था, यहाँ मैं दर्शन करने आया था। लेकिन तब मुझे पता चला कि हमारा कुछ नहीं है, हम कितना भी माइंड लगा लें लेकिन चलती उसी की है। प्रभु श्री कृष्ण को पता था कि अपनी नगरी में बुलाना है, वृंदावन बुलाना है, मेरी इच्छा थी पहले से ही मथुरा वृंदावन की। फिर देखो दूसरी जगह गया, मैंने कहा एक जगह और इंटरव्यू दे लूँ, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तीसरी जगह गया, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ ईश्वर की कृपा का पता चलता है। और दूसरी बात, मेरे कोई लायजन नहीं थे, मैं किसी को जानता नहीं था, यहाँ पता चलता है कि वो कृपा करता है तो हर जगह, अनजान जगह पर भी आपका काम बनेगा, आपकी लोग सुनेंगे। और जब आप अपना माइंड लगाओगे, मैं अपना माइंड लगाता हूँ तो मेरा काम नहीं बनता, इसलिए आपने काफ़ी बार मुझे पूछा है कि भाई आगे क्या करना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मुझे नहीं पता क्या होगा। तो सच में मुझे पता नहीं है, ऊपर वाला करेगा वही होता है। आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, तीन जगह सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने एक ही जगह चॉइस रखी अपनी और एक ही जगह कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पता चला कि ईश्वर की कृपा और मंगलवार को मेरे काम बनते हैं। और हाँ, जब मेरे से सवाल जवाब किए गए, मेरा इंटरव्यू लिया गया, तो वही सवाल जवाब मथुरा में किए थे, लेकिन उनका अंदाज अलग था, मतलब उनका नेगेटिव था। वही सवाल यहाँ किए तो मैंने राइट आंसर वहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया था, तो दोस्तों यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना माइंड कम लगाओ, ईश्वर से ध्यान लगाओ और उम्मीद कम करो लोगों से। जितनी उम्मीद करोगे आप, उम्मीदें आपकी टूटेंगी, आपका काम खराब होगा, इसलिए अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर लो, वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा, अपने हिसाब से आपको हर जगह सिलेक्ट करेगा। तो भाइयों, मैं कभी उम्मीद नहीं करता, इसलिए आज उम्मीद करता तो शायद मेरा काम यहाँ नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।